तो बॉस ने कहा कि बेटा आप रो क्यों रहे हो, तू तो मेरी बेटी है, पता नहीं खुदा ने कैसे मुझसे कॉल करवाई, ये उनके वर्ड थे। मेरी शादी हुई तो मैंने इनसे यही कहा कि मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, ना घर मांगूंगी, ना कोई कपड़े, ना जेवरात, आप बस मेरे बच्चों को पढ़ाना। बॉस मेरे लिए एक इंस्पिरेशन का काम करते थे कि ये मुझे पढ़ा रहे हैं तो मुझे इनके लिए कुछ करना है। इसलिए हमने अपने बच्चों को सेल्स में इसलिए रखा कि बिल्कुल वहाँ बिल्कुल सेफ है, हमें बिल्कुल ये डर नहीं रहता कि वहाँ क्या होगा बच्चे के साथ, तो हमें बिल्कुल वहाँ अच्छा लगा, इसलिए हमने उसको सेल्स में रखा। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया मेरे पापा ने, ना केवल वो एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो पांचों बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि मम्मी मायूस सी बेटी है, आप रो रहे हो और आपकी मम्मी चुप करा रही है। सीएलसी जाओ, सीएलसी बेस्ट है, वहाँ अच्छा माहौल है, आपको हर सुविधा मिलती है। नमस्कार, अभी कुछ ही दिन पहले जब चित्तौड़ गया तो बेगू गाँव में अंसारी परिवार से मिला और इस परिवार के तीन बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं, और वो भी तब जब पिता आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, माता पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और कमाल तब हुआ जब उन्हें साथ मिला सीएलसी संस्थान का, उन्होंने उनके बच्चों की पढ़ाई में किसी भी तरीके की रुकावट नहीं आने दी और उनकी ज़िंदगी को और ज़्यादा बेहतर बनाने में पूरी तरीके से साथ दिया। तो आइए चलते बात करते हैं अंसारी परिवार से, और अगर आप में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा नहीं होने की वजह से आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो ये कहानी उन लोगों के लिए खास तौर से। अब जब सीकर से 500 किलोमीटर दूर आए हैं तो सिर्फ यश धाकड़ से बात करके वापस नहीं जाएंगे, हम बात करने आए हैं पास के ही गाँव बेगू में नगमा अंसारी से। और जब नगमा अंसारी से बात करने उनके घर पहुँचे तो हमें साथ ही मिली मुशरत अंसारी, जो कि नगमा अंसारी की बड़ी बहन है और आपने सीएलसी से 2020 में नीट क्रैक कर चुकी हैं और इस वक्त एम्स रायबरेली से अपना थर्ड ईयर पढ़ रही हैं। नगमा, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने नीट 2023 को क्रैक किया है। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा था सर, मतलब हर चीज़ मतलब परफेक्ट थी वहाँ पर, बॉस का प्यार हो या टीचर फैकल्टी हो या फिर कैंप हो या हॉस्टल हो, हर चीज़ बेहतर थी सर, और खाना वगैरह भी बहुत अच्छा था वहाँ पे, काफ़ी अच्छा था। सफलता एक बात है, लेकिन अपनी बेटी को इतनी दूर एक कोचिंग में छोड़ना, अपने से दूर रखना माता पिता के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। मेरे मम्मी पापा सबसे ज़्यादा मतलब केयरिंग पर्सन पर ज़्यादा करते हैं, और जब मेरी दीदी को वहाँ रखा काफ़ी मतलब जब नहीं उम्मीद छोड़ दी थी, उसके बाद जब पता मतलब बॉस ने बुलाया दीदी को कि मैं अपनी से अपनी बेटी बना के रखूँगा, इसे पढ़ाऊँगा, आप इसे लेकर आओ, तो फिर जब इनको पढ़ाया दीदी को और जब वो सेलेक्ट हुई तो फिर मेरे मम्मी पापा को लगा कि अब हमारी जो छोटी बच्ची है उसे भी डॉक्टर बनाएंगे, तो एक केयरिंग पर्सन से बॉस ही थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम सीएलसी ही जाएंगे। आपने अपनी दीदी के पढ़ने के बाद में आप वहाँ पढ़ने गई, दीदी पहले से सेलेक्ट हो चुकी थी, तो आपके ऊपर इस चीज़ का थोड़ा दबाव था कि मुझे भी सेलेक्ट होना है? नहीं, मुझ पर कोई दबाव नहीं था, पर हाँ मुझे लगा कि मेरी दीदी एम्स में है तो मुझे भी मतलब मेरा इनसे पहले मेरा सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है, और जब दीदी बन गई तो मेरा हौसला था बुलंद हो गया था, मैंने सोचा दीदी बन गई तो मैं भी बन सकती हूँ, इसलिए मैंने सोचा सीएलसी ही चलेंगे। अच्छा मुशरत, अब आपसे बात करते हैं, आपने तो नीट पास भी कर लिया और अब आपकी एम्स रायबरेली में आपकी थर्ड ईयर चल रही है, आपका अनुभव सीएलसी के साथ कैसे था, क्योंकि इस परिवार से सीएलसी जाने वाली आप पहली स्टूडेंट थी? सर मुझे तो सीएलसी के बॉस ने तो मुझे बेटी की तरह रखा, तो मुझे तो जब बॉस मुझे सुबह बुलाते थे कि बॉस मुझे कहते थे कि एक बार मुझसे रोज़ सुबह मिल लिया करो, तो अच्छा। तो मैं उनसे मिलने जाती थी तो बॉस मुझसे पूछते थे कि बेटा कहाँ जाना है तुझे, तो मैं बोली कि नहीं बॉस मुझे तो एम्स जाना है, तो बॉस मुझे उसी टाइम बोलती बेटा तू तो मेरी बेटी और तूने मुझे तूने सोच, मैं कह रहा हूँ ना कि तू एम्स में ही जाएगी, तब से मुझे लग गया कि अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब तो मैं एम्स में चली जाऊंगी, बॉस ने बोल दिया। फिर उसके बाद मुझे वहाँ की
सबसे अच्छा तो मुझे वहाँ की असेंबली लगती थी। मुझे जब वहाँ जाती थी तो मैं रोज़ बॉस मिलते थे, तो बॉस मेरे लिए एक इंस्पिरेशन का काम करते थे कि ये मुझे पढ़ा रहे हैं तो मुझे इनके लिए कुछ करना है। मैं ऐसे सोच के असेंबली में रोज़ जाती थी, उनकी असेंबली मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और उसके साथ साथ मुझे वहाँ का कैंप से मुझे बहुत बहुत पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, क्योंकि मैं पढ़ाई तो पहले भी कर चुकी थी लेकिन वो रेगुलरिटी के साथ, सिंसियरिटी के साथ मैं नहीं पढ़ सकती थी खुद से, लेकिन जो कैंप था उसने मुझे रेगुलरिटी सिंसियरिटी के साथ हमेशा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। अच्छा, हमने आपके फादर साहब से बात करी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल करके, दिन रात मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाया है, उनके स्ट्रगल से आप क्या सीखती हैं? मतलब रियली मैं ऐसे कहती हूँ कि मेरे पापा के जितना तो शायद ही किसी इंसान ने स्ट्रगल किया होगा। वो तो एकदम बिल्कुल खेती करके हम लोगों को पढ़ाते थे, वो रोज पैसा कमाते हैं और इसीलिए सुबह उठते हैं कि मेरे बच्चों के पैसे भेजने हैं, इस उम्मीद से वो हमको पढ़ाते। मेरे पापा का स्ट्रगल तो मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया मेरे पापा ने। ना केवल वो एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो पांचों बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और आज मैं भी पढ़ गई, मेरी बहन पढ़ गई, मेरा छोटा भाई भी इंशाल्लाह हो जाएगा, उसके भी 608 मार्क्स आ रहे हैं। और पापा पांचों भाई बहनों के लिए बस उनका एक ही लक्ष्य है कि पांचों पढ़ जाएं, बस पढ़ाई कर लें। अच्छा, आमतौर पर ऐसा होता है कि जब भी हम CLC के कुछ इवेंट्स देखते हैं या लोगों से मिलते हैं तो वो बताते हैं कि जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को या उनके अभिभावकों को अगर आवश्यकता पड़ती है तो किसी तरीके से मदद करते हैं। आपके फादर साहब का स्ट्रगल हमने देखा, उनसे हमने बात करी, हमने जाना, तो आपके साथ कभी कोई ऐसा किस्सा हुआ कि जब बॉस ने आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सपोर्ट किया हो? बिल्कुल किया। जब मेरा सेकंड ड्रॉप था और मैं घर पे बैठ के मम्मी के पास बैठ के रोने लग गई थी, लिटरली मैं रो दी थी और मैंने कह दिया था कि अब मुझे जाना ही नहीं है, मुझे तो डॉक्टर बनना ही नहीं है। और उसी टाइम पता नहीं क्या खुदा की क्या मर्जी थी, उसी टाइम उनका कॉल आया और मैं रो रही थी और मम्मी भी मेरे साथ साथ रो रहे थे। तो बॉस ने कहा कि बेटा आप रो क्यों रहे हो, तू तो मेरी बेटी है, पता नहीं खुदा ने कैसे मुझसे कॉल करवाई, ये उनके वर्ड थे। अच्छा। और आप यहाँ आ जाओ और मैं आपको बेटी बना के रखूँगा और आप जब तक आप सेलेक्ट नहीं होगा तब तक आप मेरी बेटी हो, मैं आपको डॉक्टर बना के भेजूँगा। और उस पूरे साल उन्होंने मुझे फ्री पढ़ाया, यहाँ तक कि हॉस्टल में भी उन्होंने एक पैसा नहीं लिया और बेटी बना के मुझे पढ़ाया वो साल, और उसी साल मैं सेलेक्ट हो गई। बहुत अच्छा। हाँ। अच्छा लगता होगा? बहुत अच्छा लगता है। वो मतलब मैंने उनको पेरेंट्स मान लिया था, वो मेरी एक इंस्पिरेशन थे। रोज शाम को जब असेंबली में मुझे मिलते थे तो मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिलता था हमेशा, मुझे लगता था कि ये मुझे पढ़ा रहे हैं, मुझे इनके लिए कुछ करना है, ऐसे सोच के पढ़ाई करती थी। ये बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब हम चाहेंगे कि हम आपके पेरेंट्स से भी बात करें और उनसे जाने जो चीज़ें बच गई हैं, जो उनके जो इमोशंस हैं, उनके जो रिएक्शंस हैं, उनकी जो बातें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ हैं प्राउड पेरेंट्स नगमा और मुशरत के। सर बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, आपने अपने बच्चों को इतनी अच्छी पढ़ाई का मौका दिया और उसी की बदौलत आज वो दोनों डॉक्टर बनने के लिए जा रही हैं और आपके बेटे ने भी बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और आपसे जितना बन पड़ा वो आपने किया बच्चों के लिए, ये इंस्पिरेशन या ये आप में जुनून कहाँ से आया कि मुझे कैसे भी करके अपने बच्चों को पढ़ाना है? पहली बात तो ये है कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मेरे वालिद के मेरे सिवा और कोई नहीं था पढ़ाने वाला, तो मैं नहीं पढ़ सका, मेरे वालिद ने मेरे को नहीं पढ़ाया, तो इस बात का मुझे बहुत अफसोस था। तो मैंने कुछ कोशिश की कि मेरे वालिद ने मुझे नहीं पढ़ाया तो मैं अपने बच्चों को कैसे भी करके इनको पढ़ाऊंगा। इसी जुनून के साथ मैंने अपने मेहनत की और बच्चों को धीरे धीरे कोशिश की, मैंने तो बाकी ऊपर वाले ने मेरे को हेल्प की और मैंने कोशिश कर रहा हूँ मैं तो कि मेरे बच्चे सब पढ़ जाए और कामयाब हो जाए। आपके बच्चे जब CLC में गए उसके बाद की कहानी तो हमें काफ़ी पता है, शुरू से उनकी जो एजुकेशन है
वो कैसे हुई, कहाँ हुई, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। शुरू में तो हमने जो हमारे यहाँ बेगू की जो स्कूल है ना, वहाँ वहीं से उनको बच्चों को पढ़ाया। फिर उसके बाद हमने कोशिश की कि बच्चों को ठीक, मार्क्स भी ठीक आ रहे थे, बच्चों ने मेहनत की, तो हमें लगा कि इनको बाहर पढ़ाना चाहिए। तो हमारे क्या हुआ कि उससे पहले यहाँ से कोई बाहर हमें जहाँ हम जानते भी नहीं थे कि कहाँ पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे यहाँ से एक बच्ची यहाँ से सीएलसी गई थी जिसका नाम रजिया था। तो उनके पेरेंट्स से हम मिले, उनसे पूछा कि आप अपने बच्चों को कहाँ रखा, तो उन्होंने कहा कि मैं सीएलसी में अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ कैसा है, क्या है, किस तरह से पैसे, कितने पैसे लगते हैं, ऐसे कुछ हमने उनसे जानकारी ली। उसके बाद हमें लगा कि चलो हमें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने अपनी बड़ी वाली बच्ची को, मुसरत को, बाहर रखा और सीएलसी में हमने उसको पढ़ाने के लिए लेके गए। वहाँ से वहाँ जाने के बाद हमें ऐसा लगा कि सीएलसी का जो माहौल हमने देखा ना, तो उस माहौल में हमें ऐसा लगा कि बच्चों से जो हमारे बच्चे आए ना, हमें बिल्कुल हम सेफ हो गए थे कि वहाँ हमारे बच्चों के लिए कोई टेंशन, हमें कोई भी टेंशन नहीं थी बिल्कुल भी कि हाँ बिल्कुल सेफ है। इसलिए हमने अपने बच्चों को सीएलसी में इसलिए रखा कि बिल्कुल वहाँ बिल्कुल सेफ है, हमें बिल्कुल ये डर नहीं रहता कि वहाँ क्या होगा बच्चे के साथ। तो हमें बिल्कुल वहाँ अच्छा लगा, इसलिए हमने उसको सीएलसी में रखा। एक पिता से ज़्यादा माँ होती है जो अपने बच्चों के करीब होती है, उनका सुख दुख बांटती है, और ऐसे में जब बच्चे बड़े होते हैं, माँ का सुख दुख बांटने वाले से होते हैं, तब आपने अपने बच्चों को सीएलसी भेज दिया, अपने से काफ़ी दूर भेज दिया पढ़ने के लिए, तो आपका क्या इमोशंस आपके रहे, कैसे आप छोड़ पाए उनको? मेरे क्या है कि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, तो मेरा सपना था कि काश मैं पढ़ती तो डॉक्टर बनती। तो मैंने वो सारी चीज़ें मैं अपने बच्चों में देखने लगी कि मैं नहीं पढ़ी तो क्या मैं अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाऊँगी। तो फिर क्या है कि मेरे को पूरा सपोर्ट बॉस का भी मिल गया, और मैं पूरी तरह से थी कि वहाँ मेरे बच्चों, मेरी बच्चियाँ वहाँ है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसी तरह से मैं बच्ची वहाँ रही और उसके अच्छे मार्क्स कुछ नंबरों से रह गई थी वो। तो ऐसे हम दोनों घर पे रो रहे थे, दोनों माँ बेटियाँ रो रही थी। तो बॉस का ऐसे फ़ोन आया कि आप रो मत, और ये बच्ची मेरी है और आप इसको लेके आओ। तो बॉस ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और आज मेरी बच्ची डॉक्टर है और एम्स में है। और फिर मेरे को और हिम्मत मिली कि मैं अपनी दूसरी बच्ची को, कहीं ऐसा ना हो कि एक डॉक्टर बन जाए और एक का दिल दुखे। अच्छा। तो मैंने कहा अब इसको भी रखूं ताकि दोनों बेटियां बराबर हो जाएगी। तो फिर मैंने दूसरी वाली को भी रखा। तो वहाँ पर भी मेरे कोई टेंशन नहीं थी, मैं जाती थी मिलने, मेरे को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। बॉस का फ़ोन भी आता था, मेरे से पूछते थे कि आपकी बच्ची की कोई दिक्कत तो नहीं है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ पे। बहुत आराम से मेरी बच्चियाँ रही और खुशी खुशी सेलेक्ट होके आई, और आज मेरे घर में 3 डॉक्टर हैं। बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा इंस्पिरेशनल कुछ हो नहीं सकता कि आपने पढ़ाई नहीं करी, लेकिन उसके बावजूद आपने अपने 3 बच्चों को डॉक्टर बनाने का जो एक उद्देश्य आपने सोचा था, जो आपने जो जुनून था वो आपने पूरा कर दिखाया। पूरा जुनून था कि मैं अपने बच्चों को, जैसे मैं इस घर में आई, मेरी शादी हुई, तो मैंने इनसे यही कहा कि मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, ना घर मांगूंगी, ना कोई कपड़े, ना जेवरात, आप बस मेरे बच्चों को पढ़ाना। हम दोनों में यही बात हुई, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी फालतू चीज़ों के लिए, बस मेरे बच्चों को पढ़ाना आप तो बस। तो इन्होंने मेरी बात पे गौर कर लिया और हम दोनों ने बस एक ही लक्ष्य था हमारा कि हमारे बच्चे पढ़े, बस यही लक्ष्य था। जब से मेरी शादी हुई मैंने यही बात रखी और इन्होंने भी मेरी बात पे मेरे साथ रहे। बहुत बढ़िया बात है। तो अब जब आप देखती हैं कि आपके बच्चे सफल हो रहे हैं, आपके बच्चे परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, दूर तक उन्हें पहचाना जाता है, तो आगे आपको क्या लगता है कि और जो बच्चे हैं आने वाले समय में, जैसे जो नीट की तैयारी करेंगे या इंजीनियर बनने के लिए अपने घरों से निकलना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी कारण से या किसी आर्थिक समस्या की वजह से वो रुके हुए हैं, जा नहीं पा रहे, पढ़ने नहीं जा पा रहे, ऐसे बच्चों से और ऐसे अभिभावकों को आप
आपका क्या संदेश है? हम उनको मोटिवेट करेंगे सर, कहेंगे कि आप सीएलसी जाओ, सीएलसी बेस्ट है, वहाँ अच्छा माहौल है, आपको हर सुविधा मिलती है, खाने से लेकर पढ़ने के से लेकर। तो हम सब जगह अभी आसपास हमारे बच्चे होते हैं, हम उनको सीएलसी के ले जाते हैं और उनका एडमिशन करवाते हैं सर। जैसे बच्चा जो है ना, जो हमेशा जैसे माँ बाप के पास रहता है ना, जैसे बॉस हमेशा उनको हिम्मत देते हैं कि बेटा आज ये करना, आज ये करना। जैसे एक माँ अपने बच्चे को रोज़ शिक्षा देती है ना, बेटा आज ये होमवर्क करो, आज ये करो, आज अच्छे नंबर आने चाहिए, बिल्कुल अपना वक्त बेकार कहीं नहीं करना, बस अपना पूरा ध्यान रखो, अपने लक्ष्य के साथ रहो, लक्ष्य के साथ रहो, वही चीज़ वहाँ पे है। बॉस ने हमेशा हमारे बच्चों को सपोर्ट किया जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और ये वो छोटी छोटी कहानियाँ हैं जो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनती हैं कि कैसे छोटी छोटी गलियों से, छोटे छोटे गांवों से ऐसे बच्चे निकलते हैं जो एक अच्छी संस्था का मार्गदर्शन प्राप्त कर, अच्छी फैकल्टी से पढ़कर अपने अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज ऐसे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा वो एक प्रेरणा का सोर्स रहेंगे। उनको देखकर और भी बच्चे अपने घरों से बाहर निकलेंगे, अभिभावकों का अपने बच्चों पर जो विश्वास है वो और भी ज़्यादा दृढ़ होगा। ऐसे छोटे छोटे गांवों से अभिभावक अपने बच्चों को बाहर निकाल पाएंगे ताकि वो पढ़ें, आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ें और ज़्यादा बेहतर माहौल पूरे देश भर में बन सके। अगर आपके आसपास भी ऐसी ही कुछ कहानियाँ हैं तो हमें ज़रूर बताएं। हमारी कोशिश रहेगी कि उन सभी अभिभावकों से और उन छात्रों से जिन्होंने अभावों की जंजीरों में खुद को जकड़ने नहीं दिया, बल्कि उन बेड़ियों से आज़ाद होकर अपनी किस्मत खुद लिखी।